में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निजी अस्पताल में मरीजों से काफी पैसा लूटा जा रहा है। जीतू एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री महावीर जैन हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों पर मुफ्त में इलाज किया जाए, इसलिए ठाणे महानगर पालिका या राज्य सरकार इस हॉस्पिटल को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह नियंत्रित करे। ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाणे शहर वार्ड के अध्यक्ष फिरोज पठान ने मुख्यमंत्री से की है। ठाणे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से सरकारी अस्पताल में की गई सुविधाएं कम पड़ रही है। निजी अस्पताल में मरीजों से काफी पैसा लूटा जा रहा है, लोग अस्पताल में दाखिला लेने से कतरा रहे हैं। श्री महावीर जैन हॉस्पिटल को ठाणे महानगर पालिका या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह कब्जे में लेकर जिस तरह सिविल हॉस्पिटल और छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में जिस तरह गरीबों पर मुफ्त में इलाज किया जाए, ऐसी मांग फिरोज पठान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड इन सभी से पत्र द्वारा मांग की है। सुनिए फिरोज पठान ने क्या कहा है। थाने के वागले स्टेट के हजूरी इलाके में लगभग आज से 1.5 साल पहले एक हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी। उस हॉस्पिटल का नाम है श्री महावीर जैन हॉस्पिटल, जो एक ट्रस्ट को दिया गया था। उस ट्रस्ट का नाम है जीतू एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट। थाने महानगर पालिका ने खुद अपनी ही जगह प्लॉट नंबर 128-129 जहाँ एक मार्केट का रिजर्वेशन था, स्थानिक लोगों के लिए वो मार्केट पहले से ही वहाँ पे बना हुआ था। थाने महानगर पालिका ने उस मार्केट के रिजर्वेशन को वहाँ से हटा के जीतू एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट को साथ में मिलकर वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। जीतू एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट को थाने महानगर पालिका ने खुद अपनी ही महासभा में इस ठहराव को पास करके आज से मंजूरी दी थी। ट्रस्ट को मंजूरी इसलिए दी थी क्योंकि ट्रस्ट थाने महानगर पालिका को लगातार एक जानकारी दे रही थी कि TMC की एक प्लॉट है जहाँ पे एक मार्केट बना हुआ था। 2004 से लेके 2018 तक के इस मार्केट का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर थाने महानगर पालिका जीतू एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट को अगर ये जगह देती है तो ट्रस्ट और TMC दोनों मिल के यहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करेगी। ये हॉस्पिटल उन गरीब लोगों के लिए जाना जाएगा, गरीब लोगों को सुविधाओं दिया जाएगा और गरीब लोगों के सहयोग की काम में आएगा। थाने महानगर पालिका और जीतू एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट का दोनों का ही सिंबल इस हॉस्पिटल में लगा हुआ है और दोनों के ही बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ना नफ़ा कमाएंगे ना नुकसान सहेंगे, गरीब लोगों की सुविधाओं के लिए गरीब लोगों के सहयोग के लिए ये हॉस्पिटल जाना जाएगा। लेकिन यह हॉस्पिटल आज थाने के सबसे बड़ा हॉस्पिटल जुपिटर हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल से भी महंगा साबित हो रहा है। लगातार 1.5 साल से ऐसी कंप्लेंट आ रही है, जो गरीब के सहयोग के लिए हॉस्पिटल बना था वही हॉस्पिटल थाने के हर एक हॉस्पिटल से महंगा साबित हो रहा है। कोरोना वायरस में जिस तरीके से आज हमारा पूरा भारत लड़ रहा है, हमारा महाराष्ट्र लड़ रहा है, हमारा थाना लड़ रहा है, तो यही हॉस्पिटल को खुद चल के आना चाहिए था COVID-19 के पेशेंट के लिए या तो अन्य मरीज लोगों के इलाज के लिए, क्योंकि प्रशासन थाने महानगर पालिका ने ट्रस्ट को जगह मुफ्त और रियायती तौर पर दी गई थी ताकि ये ट्रस्ट रियायती तौर पे या मुफ्त लोगों का इलाज करे। लेकिन वही मंजूरी का और जो एग्रीमेंट हुआ था थाने महानगर पालिका और TMC के बीच में, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये ट्रस्ट उन लोगों को गरीब की सुविधाओं का हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। हमने थाने महानगर पालिका के आयुक्त को एक लेटर दिया है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर ये मांग थाने महानगर पालिका अगर जल्द से जल्द नहीं करेगी तो हम जिन लोगों का बिल, कुछ लोगों का बिल हमारे पास में है और लोगों से हम संपर्क करेंगे जिन लोगों का बिल जास्ती आया है, और लोगों के साथ में मिलके इस हॉस्पिटल के ऊपर और अन्य अधिकारी TMC के लोगों के ऊपर एक PIL दाखिल करने की तैयारी करेंगे। माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहब जो महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री है, उनसे भी हमने अपील की है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करें और जो हॉस्पिटल गरीब की सुविधाओं के लिए है वो हॉस्पिटल उनको मिले। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।